11 टेस्ट मैचेस और कोविड महामारी के चलते आज न्यूजीलैंड वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में पहुंच गया है, मगर इसका ये मतलब नहीं कि उनका यहां तक का सफर आसान था। न्यूजीलैंड वुड बी थैंकिंग द स्टार्स कि एटलीस्ट टेस्ट मैचेस में तो सुपर ओवर नहीं होते, वरना और एक फाइनल उनके पेशेंस के लिए हानिकारक होता। जून 18 को न्यूजीलैंड खेलेगी इन द वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल, लेकिन डिस्पाइट बीइंग द फर्स्ट टीम टू क्वालिफाई, शुरुआत में तो इनके चांसेस बड़े स्लिम लग रहे थे। ऑगस्ट 2019 में न्यूजीलैंड की पहली सीरीज थी श्रीलंका के अगेंस्ट एज पार्ट ऑफ द टेस्ट चैंपियनशिप। पहले मैच में श्रीलंका ने उन्हें हरा दिया, लेकिन न्यूजीलैंड बाउंस्ड बैक इन द सेकंड और उस सीरीज से 60 पॉइंट्स ले गए, विच वाज क्रूशियल क्योंकि अगले सीरीज में न्यूजीलैंड को खाली हाथ लौटना पड़ा। वो सीरीज थी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया में। सीरीज के तीनों मैचों में न्यूजीलैंड को 200 रन से ज्यादा का लॉस झेलना पड़ा। इट वॉज अ डीमोरलाइजिंग डिफीट और न्यूजीलैंड के चांसेस और भी ब्लीक लग रहे थे, मगर 2020 की शुरुआत न्यूजीलैंड के लिए उम्मीद की नई किरण लेकर आई। They started with a series against eventual finalists India. Indian team form में थे, लेकिन ट्रेंट बोल्ट, टिम साउथी और काइल जेमिसन ने होम कंडीशंस में स्विंग एंड सीम के साथ न्यूजीलैंड को पूरे 120 पॉइंट्स दिला दिए। लेकिन जैसे ही न्यूजीलैंड की गाड़ी पटरी पर आ रही थी, उन्हें अगले सीरीज के लिए 10 महीने इंतजार करना पड़ा। Owing to the COVID-19 pandemic, कुछ सीरीज रद्द किए गए और ICC ने घोषित कर दिया कि World Test Championship finalists percentage of points 1 से decide किए जाएंगे। उस वक्त New Zealand 4th थे with 50% points 1। December 2020 में New Zealand ने West Indies के खिलाफ 2 Test सीरीज खेले। पहले मैच में कैप्टन विलियमसन ने डबल सेंचुरी बनाकर वेस्ट इंडीज को गेम से बैट आउट कर दिया और दूसरे मैच में इवन विदाउट विलियमसन न्यूजीलैंड ने उन्हें इनिंग्स एंड 12 रन से डिफीट कर दिया एंड पिक्ड अप 100% ऑफ द पॉइंट्स अवेलेबल। क्रिसमस के बाद न्यूजीलैंड ने अपना आखिरी सीरीज शुरू किया अगेंस्ट पाकिस्तान, अनदर 2 टेस्ट सीरीज एट होम। रिटर्निंग आफ्टर द बर्थ ऑफ हिज चाइल्ड, केन विलियमसन ने फर्स्ट टेस्ट में शतक दर्ज किया और सेकेंड टेस्ट में फिर से डबल सेंचुरी। लेकिन सिर्फ बैटिंग से टेस्ट मैचेस नहीं जीते जाते, और न्यूजीलैंड के बॉलर्स रेड हॉट फॉर्म में थे, खासकर काइल जेमिसन। उन्होंने सेकेंड टेस्ट में 11 विकेट्स निकाले, टेकिंग हिज ओवरऑल टेस्ट टैली टू 36 विकेट्स इन जस्ट 6 मैचेस। न्यूजीलैंड ने पूरे 100% पॉइंट्स जीत लिए, टेकिंग देयर टोटल टू 70% पॉइंट्स 1। उन्हें अब इंतजार था बाकी टीम्स के, और जब ऑस्ट्रेलिया इंडिया के सामने 2-1 हार गई, तो न्यूजीलैंड वर गारंटीड अ स्पॉट इन द फाइनल्स। पाकिस्तान सीरीज के बाद न्यूजीलैंड आईसीसी टेस्ट रैंकिंग्स में नंबर 1 पर थे, बट अब इंडिया हैव स्लिप्ड अहेड। नंबर 1 और नंबर 2 का ये मुकाबला काफी दिलचस्प होगा। न्यूजीलैंड बोलर्स इंग्लैंड के स्विंग कंडीशंस जरूर एंजॉय करेंगे, लेकिन बैटिंग माइट बी डिपेंडेंट अ बिट ऑन कैप्टन विलियमसन। अब क्योंकि एडजस्ट करने का वक्त नहीं होगा, ये फाइनल ऑन फील्ड से ज्यादा एक मेंटल बैटल है। क्या न्यूजीलैंड इस फाइनल को जीत पाएंगे? आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।